भजी आए भजड़ा लजाई मू यार बेछू कन कवार मथा जन मथावा जे तू भजी आए त आऊं तुझी भेण नथ तुझे नक में विझा दई भेण जे तोड़े खड़ा नेण त कर पसा पुट थी। स्टेज ते बैठल सैयद सरदार शाह साहब, डॉक्टर कादर बख्श मुंशी साहब, खादिम तालपुर, रोहल कालरू, फराक हाले पोटो, मुनवर हाले पोटो, मुझे सामू बैठल मादरे वतन सिंध जा वारसो भायरो ए दोस्तो जीए सिंधु देश जीए साईं जीए सैयद। मुखे असांजे कौमी कारकुन दोस्त मुनवर हाले पोटे हुकुम कयो त खलीफे नबी बश कासम दी याद में थींदड़ जो के प्रोग्राम में शरीक थियूं। पोइ मूं सोचियो त कौमी कारकुननि जी सभ खां वॾी मिरास इहा ई आहे त उहे असांजे क़ौमी रहबर साईं जी एम सैयद जे फिक्र सां जेका उन्हनि जी कमिटमेंट आहे ऐं सैयद जे फिक्र खे ऐं सिंध जी आज़ादीअ जे पैगाम खे जेका जला बख़्शींदड़ शऊरी सतह ते ऐं शायरीअ जी सतह ते अदब जी सतह ते जेका असांजे हिन जदोजहद जे काफ़िले खे इंस्पायरेशन जेका आहे उहा शायरी आहे ऐं उन इंस्पायरेशन जो सबब जिते शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो कलाम आहे उते खलीफ़े नबी बश कासम जी शायरी आहे उते सचल सरमस्त जो बाग़ियाना इज़हार ख़्याल आहे उते शेख हयात साहब जी जदीद शायरी आहे उते हसन दर्स आहे उते अहमद सोलंगी आहे उते रोहल कालरू आहे उते फराक हाले पोटो आहे उते खुद मुनवर हाले पोटो आहे या असांजो दोस्त सैयद सरदार शाह आहे। सरदार शाह जी वज़ारत पंहिंजी जॻहि ते आऊं हिकड़े शायर जे तौर ते हुनजो तमामु घणो ख़्याल ऐं एतराम कयां थो। शायर जी जेका ख़ासियत हूंदी आहे उहा पंहिंजे समाज खे पंहिंजी क़ौम खे ऐं पंहिंजे वतन खे ग़ुलामी ऐं ज़िलत जे आड़ा मां ॿाहिरि कढी आज़ादी रोशनी उमंग ऐं उमेद सां हमकिनार करणु इहा शायर जी सभ खां वॾी ख़ासियत आहे। त मूं जीअं ई मुनवर जो इहो पैगाम मूंखे मौसूल थियो त मूं ज़रूरी ॼातो त असां ऐं तव्हां ख़लीफ़े नबी बश कासम जे शायरी फन ऐं फिक्र जे हवाले सां अॼोकी हिन तकरीब जे ज़रिए राय आम जोड़ियूं। असांजो दोस्त इसाक समय जो साहब मौजूदु आहे, मूंखां नालो खणणु हुन विसरी वियो, ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर आहे जे गुनाहनि जा गीत जे नाले सां किताब लिखियो ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत हुन शायरी जो किताब आहे। त रज़ा आकाश खनाणी साहब ऐं ॿिया जेके बि दोस्त मौजूदु आहिनि, ही जेको ॻोठु आहे ही चंद उन्हनि ॻोठनि मां चार आहे जेको ॻोठु आहे जिन सिंध जे शऊर जी आबियारी कई आहे। सिंध खे जदीद ऐं क्लासिकल फिक्र सां जिन जोड़े रखियो आहे, जिन पंहिंजे ॾात ऐं दांव जे ज़रिए फन ऐं फिक्र जे ज़रिए जिन पंहिंजे मादरे वतन जे हज़ारे सालनि जे तारीख़ी तशख़्स सां पंहिंजो क़ौमी रिश्तो जोड़े रखियो आहे, उन में हिन ॻोठ जो बच्चू हाले पोट जो किरदार नाक़ाबिले फरामोश आहे। जंहिं फराक हाले पोटो, इक़बाल, मुनवर हाले पोटो हेॾी वॾी शाइरनि जी असांखे हेॾी वॾी क़तार ॾेई छॾी आहे, जिन पंहिंजे शायरी जे ज़रिए
सिंधी अदब की फकत खिदमत कई आ पर तारीख ते अणमट निशान छड़ा है। खलीफे नबी बिश कासिम पेंजे दौर जो किरदारो पेंजे दौर के हालतुन ते जेका शायरी लिखी आए उहा असांजे लाए राहे मशल आए। उनमें एक पैगाम मिले थो असांजे दोस्तन चयो तो शायर नढोए वडो नाहे थींदो। आऊं उन गाल सा वाकई पाण बि इख़्तिलाफ़ रखा थो। हर शायर जी पंहिंजी ज़बान आहे, हर शायर जो पंहिंजो इज़हार अंदाज़ आहे, हर शायर पंहिंजे दौर जो आवाज़ आहे, हर शायर पंहिंजे दौर में पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी सकाफ़त, पंहिंजी तहज़ीब ऐं पंहिंजे तारीख़ जो निमाईंदो हूंदो आहे। बिटाई हिकड़े दौर जी निमाइंदगी कई, जे दौर में धारे साम्राज्य जो सिंध मथां कब्ज़ो, जे तू फारसी सिखें त गोलो तू गुलाम, इहा जेका ललकार हुई इहे पंहिंजे दौर जो सच आहे, पंहिंजे दौर जी ललकार आहे, पंहिंजे दौर जो आवाज़ आहे। साॻे वक़्तु खरणी खाए भत, भत न विझे वात में, पिड़ में पहलवाननि जी वेठी परखे पत, जिनी साण नस्त नी न लाई तिनसी। इहो वरी पंहिंजे दौर जो आवाज़ आहे। हर शायर पंहिंजे दौर जे हालतुनि जा ज़िमेदार हूंदो आहे, ऐं जेको शायर पंहिंजे दौर ऐं पंहिंजे दौर जे हालतुनि जा ज़िमेदार न आहे, उहो फैशन एबल थी सघे थो पर उहो तारीख़ जी धारा खे मोड़ींदड़ शायर नथो थी सघे। ऐं बिदाई वठी आई, ललकार हुई, थी हुई आवाज़ हुई ॿोलीअ सां। शायर ॿोलीअ जा ॿोलीदान थींदा आहिनि, बिदाई ॿोलीदान हो वॾे में वॾो। ख़ूबसूरत ॿोली हुन अता कई, लहजा अता कया, शायरीअ खे ॿोलीअ खे शायरीअ जे ज़रिए नवाण ॾिनी। अहिड़े नमूने सां अयाज़ पंहिंजे दौर जो निमाईंदा शायर आहे। त ख़लीफ़ो नबी बिश कासिम हुनजी सुञाणप रुगो या न आहे त हुन किरदारो लिखियो, पर हुन जंगी हालतुनि में जॾहिं वतन ग़ुलाम हो, हिकु औरत पंहिंजे वर सां मुखातब थी चवे थी, जे तूं भॼी आहे त आऊं तुंहिंजी भेण। हिन खां वधीक पंहिंजे दौर जो ॿियो निरालो सच थी नथो सघे। त जंग लतीफ़ बि अहिड़ी ॻाल्हि कई, लतीफ़ बि साॻी अहिड़ी ॻाल्हि कई त भॼी आहे भॼणा, लॾाई मूं यार, वेठियूं कन कवार, मथां जिन मथां, मुंहिंजूं सर्तियूं ऐं सहलियूं उन्हनि जा वर जंग जे मैदान में सुरखुरू थी आया, इन करे उन्हनि जा मथा जेके आहिनि मथां हुआ। ख़लीफ़े बि इहा ॻाल्हि कई त जे तूं भॼी आहे त पोइ मूंखे पंहिंजी भेण सम्झ, छो त मुंहिंजो तोसां पोइ को रिश्तो ऐं नातो थी नथो सघे। जेको पंहिंजे वतन, पंहिंजी धरती, पंहिंजी तहज़ीब, पंहिंजी तारीख़ जे फ़ैसला कुन जंग में भॼी ईंदो, उनखे ज़ालूं भया मयार ॾींदियूं त असीं तुंहिंजी तव्हांजी भेण आहियूं पर तव्हांजी महबूबा ऐं ज़ाल न थींदी। वतन सजण ऐं साणे, कंहिं अड़ासे विसरे, हैफ़ होए वतन जिन विसारे। जेके माण्हू पंहिंजे वतन, पंहिंजी तारीख़ ऐं पंहिंजी धरती सां पंहिंजो रिश्तो कटे छॾींदा आहिनि। हया साहब लिखियो, शेख हया साहब, त जे तो अञा न जातो, ही बि किरदारो ई त आहे, जे तो अञा न जातो त कहिड़ा देशवासी, त तुंहिंजो जनम मजायो, तुंहिंजी मिटी अणासी। आयो वियो सिकंदर, सेवण अञा उते आहू, खीर थर खड़ो आ, वींदा रहिया वनासी। जेके माण्हू पंहिंजी तारीख़, पंहिंजे वतन में पंहिंजे तहज़ीब सां पंहिंजो रिश्तो टोड़े छॾींदा आहिनि, उहे पंहिंजे वक़्त जे फ़िरौननि जा हामी थी सघनि था, उहे पंहिंजे वक़्त जे हिटलर जा हामी थी सघनि था, पर उहे वक़्त जे जीएम सैयद ऐं वक़्त जे दुले दरा खान जे क़ाफ़िले जा सिपाही नथा थी सघनि। तूं हुअं बि मरंदे काछे में, आ पहाड़ी पाछे में, इहा जेका ललकार आहे, इहा इनकलाबियत आहे, वतन दोस्ती आहे। त ख़लीफ़े नबी बिश कासिम जो कलाम, ख़लीफ़े नबी बिश कासिम जी शायरी, उहा हुबल वतनी जे जज़्बनि सां भरपूर आहे, उहा इनकलाब जो दर्स ॾिए थी,
वह आजादी जो दर्स दे थी, वह गुलामी के खिलाफ बेड़ बेड़ जो दर्स दे थी। पर जेका शय निमाया है उहाया है तो अवाम मुनज़म थे, अवाम जी सुफन में इतहाद थे। शायरी जो बुनियादी कम कड़ो आ, शायरी जो बुनियादी कम पहंजे दौर जे सियासी समाजी ए मजहबी स्टेटस को जे खिलाफ जंग करण जिहाद करण पहंजे दौर जे नाकारी कतरन की नफी करण शायरी जो कम छाए। शायरी खसीस जज्बन के भड़कान न, पर शायरी पहंजे दौर जी वड़े में वड़ी जिम्मेदारी आ, जेका पहंजे दौर जे मथा मुसलत हर किस्म जी गुलामी वा सियासी हुजे समाजी हुजे मजहबी हुजे या सकाफती हुजे उनजो टोड़ शायरी में मौजूद हुंदो आ। वो टोड़ शाह लतीफ जे कलाम में हो, वो अयाज जे कलाम में आ, वो खलीफे नबी बख्श कासम जी शायरी में हो। भाइरो अज सिंध जे गुलामी जे दौर मां गुजरे थी, सकाफती तौर ते सिंध जे तहजीब के खतरा आए, सियासी तौर ते सिंध मुकम्मल तौर ते धारे साम्राज्य गुलाम, अदबी तौर ते स्टेटस को वेठो आए, अदबी एस्टेब्लिशमेंट जो कब्जो आए, अदबी एस्टेब्लिशमेंट जेका नवन ख्यालन की आबियारी की रोकथाम करे थी, जेका सिंध के अंदर इनकलाबियत आजादी इल्म अकुल शौर की जेका शमा रोशन थी रही है, जेका लाट भरे थी, उन लाट की नफी करे थी, उन्हें जी रोकथाम की जरूरत है। असा जे शायरन असा शायरी में खुद कफील रहा आयो, असा इल्म में अदब में खुद कफील रहा आयो, असा सजी दुनिया सा आर्ट की जबान में गालायो आए। अज जदे ही खितो बशमूल खसूसी तौर ते पाकिस्तान इन खिते की रियासत मजहबी जुनूनियत के शिकार है, तरे उनको मुकाबलो बेहतरीन शायरी के जरिए कर सकते तो। हिकड़ो दौर हो औरंगजेब जो कब्जो हो, मुगल साम्राज्य जो कब्जो हो, उन जमाने में ही खितो सिंध गुजरात राजस्थान ही सजो खितो शायरी के जरिए उन मजहबी मुनाफरत जो उन मुकाबलो कयो, मजहबी मुनाफरत सा विड़ो उन झेड़ो। अज वरी उहो औरंगजेबी मजहब उहो औरंगजेबी तर्ज अंदाज असाजे हजारे सालन की सकाफत तहजीब तमदुन ए तारीख के मथा मड़ियो पियो, तरे जरूरत आए इन गाल जी तो मैं शायरी के जरिए मुकाबलो करूं। शायरी में तवाजुन मौजूद है, शायरी में हेकड़ाई मौजूद है, शायरी में तसौफ मौजूद है। असाजा सूफी बुजुर्ग या क्लासिकल शायर उनको पैगाम मोहब्बत रो है, पैगाम अमन रो है। खलीफ नबी बख्श कासिम की शायरी में जिते केदारो आ, केदारो जंग की शायरी है, रजनिया शायरी आ, वेड़ की शायरी आ, पर वेड़ के खिलाफ वेड़ पहंजे दौर जे नाटारी कदरन जे खिलाफ, वेड़ पहंजे दौर जे बदमाश करप्ट कब्जा थी कब्जा गोर जालिम वैशी इस्तसाली कुवतन जे खिलाफ, इहो पैगाम आ उनजो। अज जरूरत आए सिंधी समाज के तो मजहबी जुनूनियत दहशतगर्दी इंसानियत सोज अमलन जे खिलाफ ताए असाखे खलीफे नबी बख्श के कलाम ए शायरी जो न फकत मुतालो करण घुर्जे पर उनमा सबक ए तारीख जे हन घड़ी में असाखे सखण खपे त खलीफे नबी बख्श कासिम पंहिंजे दौर जे केड़ी शयुनि खे इंडिकेट कयो, केड़ी शयूं असाखे सेखारण जी कोशिश कई। अज मुल्लो जेको गगर फाटक का शुरू थियो आ थारी हाले पोट ताई मुकम्मल तौर ते सिंध के मजहबी जुनूनियत के हवाले करण जे लाए सऊदी अरब ए ईरान जे फंडन सा मदरसा इंडस्ट्री कायम कई थी, तवा असा वट मुकाबले की कुवत केड़ी आए। वो शाह लतीफ जो कलाम है, वो खलीफे नबी बश्क जो कलाम है,
मौलवी हाजी अहमद मलाह जो कलाम है, सरवेज फिदावली जो कलाम है, असावट से को मुकाबले की कुवत है वो शाह शरीफ भदाई का वठी करे उहो बिलन शाह बुखारी ताई उहो उने तसलफुल का वठी करे फराक हाले पोटे मुनवर हाले पोटे ताई या जका शायरी है असावट वफर मकदार में मौजूद है जिनके जरिए सा दुनिया जे जेके दुनिया में इंसानियत जो मुखालफ कुवतू हैं उन्हें सा मुकाबले जो आर्ट मुकाबलो कर सके तो शायरी मुकाबलो कर सके थी इन दौर में सब का वधीक जे शे जे वाफर मकदार में बधाने की जरूरत है वो खलीफे नबी बश्क खां वठी सिंध जे इलाके जे शायरन जे कलाम के दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। दुनिया जियो है जीण जो जे पॉलिसी पे अमल कर रही है पर ही खितो ही इलाको जी तो मजहबी जुनूनियत मजहबी दहशतगर्दी जो अडो आ उन्हें मजहबी दहशतगर्दी जुनूनियत के मुकाबलो शायरी के जरिए कर सकते थो राग के जरिए कर सकते थो फन के जरिए कर सकते थो मुसवरी के जरिए कर सकते थो ते करे आऊं मुनवर हाले पोटो ता सभी दोस्तन के खराज तहसीन पेश करा थो जो तवां अज जदे असी बिगाड़ जो शिकार आयूं जदे जुनूनियत जो शिकार आयूं जदे असांजा इदारा जबून हाल थी विया आहिनि जदे असी तेजी सां भंगदा जो शिकार थी रहा आहियूं तॾहिं असां तव्हां जो को प्रोग्राम कराई हो पैगाम ॾिनो आहे त असांखे दहशतगर्दी नथी घुर्जे असांखे जुनूनियत नथी घुर्जे असांखे अमन प्यार मोहबत ऐं इंसानियत जो इताद मुंहिंजा भाइरो जरूरत है इन गाल जी असाजे सुफन में अंदरूनी सुफन में बगैर कें पार्टी शाओ नज़म जे बगैर कें रंग नस्ल ए मजहब जे सिंधियत के जज्बे तहत इताद घुर्जे सिंधियत इन पूरे खिते जे अंदर अमन की दाई है साईम सदाईम करीम थे सिंध सुपार दोस्त तू दिलदार आलम सब आबाद कर इो जो आफाकी पैगाम है इो जो इंसानियत जो पैगाम वो फकत भिट धणी वट मौजूद है छो तो भिट धणी उन्हें दौर में उन दौर की पैदावार हो जडे सिंध में सियासी इंसानी मजहबी ए सकाफती तौर सिंध मुकमल तौर यरगमाल हुई अज भी सिंध पाकिस्तान के नाले जमहूरियत के नाले मुकमल तौर पे पंजा सकाफती सियासी मजहबी समाजी समूरन हकन का मुकमल तौर पे सिंध उन हकन का अड़े नमूने से खाली कई वही है अड़े नमूने से खाली कई वही जड़े नमूने से हिटलर के दौर में जर्मन के अंदर फकत नाजी पार्टी जो कब्जो हो बाकी समूरा मानू समूरी इंसानियत होलोकास्ट के जरिए गैस चैम्बर के जरिए इंसानियत जो तशद जो शिकार हो इन्हीं के करे अजो को ही प्रोग्राम बेहतर पैगाम है असा खलीफे नबी बश कासिम के याद करे पंजी तारीख के याद कयो आए जेके फर्द आई जेके कौमू पंजे तारीख से पंजो रिश्तो जोड़ी दियो हैं वो हमेशा पंजे तारीख के दुश्मनन के शिकस्त दियो हैं ऐ हर दौर जो सच्चो मानू पंजे दौर में अकेलो कयो विंदो आए जनाब साई जीएम सैयद पंजे दौर जे इस्तिथाली कुवतन जे जबर ए जुल्म जो मुकाबलो कयो पर सियासी मैदान में उनके अकेलो कयो वियो शर्मंद ए धारा औरंगजेब जे मजहबी तर्ज कटक पणे जे खिलाफ हुआ पर उनन खे अकेलो करे दार ते मतरूब कयो वियो हजरत ईसा पंहिंजे दौर में तनो तना हो मतरूब कयो वियो सलीब ते पर हुन पंहिंजे दौर जे नाकारी कदरन जो मुकाबलो कयो मूसा फरोनियत जो इंकार कयो पर पंहिंजे जिहाद जे ज़रिए अमल जे ज़रिए फरोनियत खे शिकस्त न कयो तंहिं करे अॼु दौर अची वियो आहे त खलीफ़े नबी बश कासिम खे यादि करियूं ऐं अॼोकी तकरीब जे ज़रिए पंहिंजे दोस्त ऐं हुन खे दोस्त थो चवां छो जो मूं वटि सरदार शाह जी जेको तारीफ़ आहे उहो किताब आहे मीर अक़सम ऐं हुन मीर अक़सम जे ज़रिए सरदार शाह पीर पगारे के मुखातब थी जो कॉलम लिखो हो वक्त के बेन फरोनी कुवतन से जे नमूने सरदार शाह मुखातब थो अज भले सरदार शाह मुझो भाव है वो सकाफत जो वजीर हुए
पर मूवट सरदार साहब की सुजाण पे मीर अक्सम आए उन मीर अक्सम के जरिए वो वक्त जे फरौनी कुवतन सा मुखातब थियो हो मूवट सरदार शाह बहसियत के वजीर जे न बहसियत के राइटर जे काबिल इज्जत आए हर राइटर लेखक पंजे दौर जो आवाज थिंदो आए आऊं साईं के चवां तो मुजा साईं ही दौर आहे ही दौर पे गुजरी वणणो आ ढो मुख्तसर दौर आहे इन दौर में असान जो तवा सा को जाती इख्तलाफ ना है असान जे मोहब्बत ए नफरत जो मरकज सिंध है जेको सिंध दा बीहंदो वो असान जो दोस्त है जेको सिंध जे खिलाफ हुंदो असान जो सगो भा हुंदो वो पंजे दुश्मनन जे सफन में शामिल है तवा जे तकरीरन ए तहरीरन जो आऊं एहतराम कया तो ताके चवां तो मुजा भा मुजा साईं इन दौर में सिंधी सकाफत के महफूज करण सिंधी सियासत के महफूज करण सिंधी इनकलाबी शऊर के महफूज करण की जरूरत है 3000 रुपए ते शायरन की मंडी लगाने की इन दौर में जरूरत ना है इन दौर में सिंध के इनकलाबी जज्बे से सरशार वतनियत ए कौमियत जज्बे से सरशार उन एक्सपर्ट की जरूरत है जो सिंध के पंजो हजारे साल जो वतन तसव्वुर करे आऊं ताखा मुतबाना हुजत थो करा तब बदीन में लाड़ म्यूजियम के मुलाजमन के नवन महीनों का वी पगार न मिली आराय करम ऐलान के हो गुजरल दफे तो लाड़ म्यूजियम के सकाफत खातो पैंजे अंडर में वो आऊं या तम उम्मीद रखुस छो तो मुझे लाइ सरदार शाह एक शायर है मुझे लाइ सरदार शाह एक राइटर है आऊं उन या तवक्कु रखुस तो लाड़ म्यूजियम के मुलाजमन के पगार जो तुम बराय करम मसलो हल कर केतर महीन का लाड़ म्यूजियम का मुलाजम पगार का महरूम तवक्कु रखुस ऐलान हो तो लाड़ में लाड़ फेस्टिवल लगाया वो बरा मेहरबानी लाड़ फेस्टिवल के अमली जामू पढ़ा पर लाड़ के शहर शायरन के उनकी खुदारी अना के बरकरार रखने के लिए कें 3000 4000 जो ऐलान न करो छो शायर पैंजे दौर जो आवाज थींदा आहिनि उहे तव्हां सां जेकॾहिं वतन जे जज़्बे ते क़ौम जे जज़्बे ते बीहनि त आमना सां तकना पर जे शायर पंहिंजे दौर जा ख़रीद थी वञनि ऐं टके मुल विकामनि हिन खां वधीक बि बेज़ती हिन क़ौम ऐं तारीख़ जी कहिड़ी थी सघे इहो कम त मुग़ल दौर में थींदो हो मुग़ल साम्राज्य जो कमु कंदो ऐं सरदार साहब जेकॾहिं उहो कमु करे त इहा ॻाल्हि अफ़सोस आहे सरदार शाह घटि में घटि हे लिखियो आहे शायदि आया साहब शेख आया साहब लिखियो ऐं तव्हांखे वॾेरो कोन थो सम्झा हूअ त वॾेरो हिलड़े पर जे ॾाढी आहे सरकार त पोइ झिरकीअ जॾहिं हिलड़े वॾेरनि वीचारनि जी नंढड़ी थींदी आहे तव्हां घटि में घटि ऐं तव्हांखे पर्सनली थो चवां ऐं तव्हांखे वॾेरो कोन थो सम्झा तव्हां सां इसहाक समय जो गॾु आहे हीउ तव्हां जे गुनाहनि जा गीत लिखिया ऐं मूंखे उमेद आहे त इसहाक समय जो गुनाहनि जे गीत खे सवाबनि जे गीत में तब्दील न कंदो त तव्हां हिन धरती जे तहफ़ुज़ जी ॻाल्हि खे हितां जूं लिखणियूं मुंहिंजी आॾो मौजूदु आहिनि ऐं चवां थो त तव्हां हिन इलाइक़े जी सकाफ़त जी नुमाइंदगी करियो तव्हां वटि मूंखे ख़बर आहे तव्हां वटि आसिफ़ सरदारी वारा अख़्तियार न आहिनि तव्हां वटि सैयद मुराद अली शाह वारा अख़्तियार न आहिनि पर जेके तव्हां वटि अख़्तियार आहिनि जेका तव्हांजी किरायत एरिया आहे उन मूजिबि शाइरनि जी फनकारनि जी अदीबनि जी ख़ुदारी ऐं अञा खे बुलंद करियो छो त शाइर फनकार यूरोप में 800 साल ग़ुलामी जो दौर हो मुकमल तौर ते यूरोप ईसाईअ ताईं कलिसा ते कब्ज़े थो पोइ कहिड़ो थियो तव्हां पढ़ियल लिखियल माण्हू हुयो मार्टिन लूथर किंग थियो रोसू थियो वॉलंटियर थियो शायर थिया अदीब थिया दानिशवर थिया उन्हनि 800 सालनि जी ग़ुलामी खे तहस नहस करे छॾियो अॼु यूरोप सॼी दुनिया जी अॻवाणी इन करे साईं मुंहिंजा शाह शरीफ हदाई खां वठी करे हाजी बोलवी हाजी अमन मलाह खां वठी करे हलीफ़े नबीबिश कासिम खां वठी करे हिन इलाइक़े जा जेके क्लासिकल शाइर आहिनि जेके आवाज़ आहिनि सिंध जो उन्हनि आवाज़नि जी मालकी करियो ही धरती मुकमल तौर ते अॼु धारे साम्राज पठाण पंजाबी बंगाली बिहारी ऐं बर्मी जे कब्ज़े हेठा इहा ॻाल्हि अलाह करे त आसिफ अली ज़रदारी खे सम्झ में अचे पर तव्हांखे घटि में घटि सम्झ में अचणु खपे छो तव्हां सरदार शाह भले खणी सिंध असेंबली जो वज़ीर हुजे पर असां हुनजे क़दुरु जी निगाह सां इन करे ॾिसूं था इल्मु अदब साना ऐं शऊर जो माण्हू आहे
आऊं सकावत खाते जे के प्रोग्राम में शिरकत ना कंदो पर मुखे जरे मुनवर हालेपोट चयो ही प्रोग्राम खलीफे नबरश कासिम दी याद में थी रयो आ उन में शिरकत करे तो साईं सरदार शाह मुझो साईं सरदार शाह सा को इख्तलाफ ना है छो तो जेके मानू शौर रखन था जेके मानू तारीख जी धारा के मोड़ दी सग रखन था उन दा मुखातब थन खपे जमुरत यहाए ते बे जी राय के बर्दाश्त करो जमुरत यहाए ते आवाम दी हुक्मरानी कायम करो इने दे करे अजो को प्रोग्राम अड़ो खूबसूरत प्रोग्राम थियो आ है आउन प्रोग्राम के जरिए मुनवर हालेकोटो इकबाल हालेकोटो ए बेन समोरम दोस्तन के खराज तहसीन पेश करा तो ए गरोगत मुख सराई थी आ ते नंढड़े गोठ में इन नंढड़े इलाके में सरदार शाह साहब असान जो दोस्त खान साहब जमाली भी बैठो आए खान साहब असान जो पुरान दोस्त आए ते सब दोस्त ने प्रोग्राम में शरीक थे आए तवा असा भायर आयो तवा असा नाता रिश्तन जो नालो सिंध आए ए सिंध जका है वो सबनी का मते ऊंची आ सबनी का वदी अजीम आ है जेंजो नातो सिंध सा ना है सिंधियत सा ना है वो घट में घट सिंधी सदाण जे काबिल ना है इने जे करे आऊं खाली जे नबुल कासिम के खराज तशीन पेश करा दो तवा खा पेरो भेरो पत्र ली मुतालबो करा दो लाड म्यूजियम जे मुलाजमन के पगार देनी वने जेके मुथा जन रजा आकाश खानाणी जता मुलाजमत न दियो या अलग हाल आऊं मुतालबो कोंदो पर घट में घट जेको आ है ओ लाड म्यूजियम के मुलाजम के पगार मिलन खपे ए घट में घट इकबाल ए मुनवर हालेपोटे जी इन इलाके के शायर की मालकी थे खपे ता दोस्तों सभी की मेहरबानी जियो सिंधु देश जी साईं जी।